दोस्तों एक टेक यूट्यूबर होने की एक अच्छी बात है कि लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है और अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं हमको यार पर एड के हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है अगर हम कंपेयर करें बाकी क्रिएटर्स से जो कॉमेडी करते हैं जो ब्लॉग्स बनाते हैं सबसे ज़्यादा पैसा टेक कम्युनिटी में है मैं बात मानता हूं लेकिन टेक कम्युनिटी में ना एक अटपटी चीज़ भी है हमें लोग ना लोग अपना पर्सनल मैकेनिक समझते हैं और सोचते हैं उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें जो कि हम काफ़ी हद तक करते भी हैं लेकिन हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता मेरे पास एक अतरंगी प्रॉब्लम आई है एक लड़के की मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है लेकिन मैं क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूं उस इंसान का क्वेश्चन यह है कि मैं एक अब देखो ये वीडियो थोड़ी एडल्ट की होने वाली है मैं एक एडल्ट वेबसाइट पर गया और मैं कुछ उल्टी सीधी हरकतें वहां कर रहा था तो क्या मुझे किसी ने रिकॉर्ड कर लिया होगा क्या वो मुझे ब्लैकमेल कर सकता है क्या सेफ है ऐसी वेबसाइट पर <laughs> कहा आ गया हूं मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों वैसे ये सारी चीजें ना सुनने में काफी फनी लगती आपने मेरे चैनल की एक वीडियो वीडियो सबसे टॉप कौन सी है आओ मेरे साथ साथ देखो एक्चुअली पर मैं आपके बैठ के कुछ भी नहीं देखने वाला दरअसल मैंने वहां पर आपको ये बताया हुआ है कि अगर आप ऐसी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं तो सेफली कैसे कर सकते हैं ठीक है क्योंकि अपनी प्राइवेसी में इसको देखना क्राइम नहीं है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप ये चीजें देखते हैं तो आप फंस जाओ आपके फोन में वायरस आ जाए आप किसी कहीं गलत जगह फंस जाओ राइट तो मेरा गाइड करने का वहां पर काम है प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है वो लेकिन टाइटल थोड़ा फनी है इसी वजह से थोड़ा सा ज्यादा चला है अब यहां पर भी जैसे मैं बताऊंगा आपको तो ये काफी फनी लगेगा आपको लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये साइबर सिक्योरिटी की गाइड ही है राइट तो यहां पर जैसे आप इसी वेबसाइट पर जाते हो तो आपने कई बार ये देखा होगा आप देखो ये क्वेश्चन इस इंसान का ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे इंसान हो इंसानों कि हम जब जाते हैं वहां पर तो ऐसी साइटों पर जाके तो लोग ऐसी उल्टी हरकतें कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं यार तो या आपके फेस तो आप दिखाते ही हो फोन पे ऐसे देखते हो तो, तो आपको रिकॉर्ड सीक्रेटली किया जा सकता है इस चीज़ को समझने के लिए पहले ये जानते हैं कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं आप जब किसी वेबसाइट पर जाते हो तो कई बार अजीब से ऐड आते हैं जहां पर कोई मॉडल होती है और उसकी वीडियो चल रही होती है और वो दिखने में जो वीडियो फ्रेम होता है वो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो एक लाइव स्ट्रीम चल रही है लाइव कैमरा मॉडल्स होती हैं जो कि ऐसे लाइव स्ट्रीम पर ऐसे आती हैं लोगों को एंटरटेन करती हैं वट तो वहां पर लोगों को यह लगता है कि जब उसके पास वेब कैम लग रहा है तो शायद मेरा भी एक्सेस है क्योंकि वो वहां पर कुछ ऐसी बातें बोल रही होती है कुछ ऐसा रिएक्ट कर रही होती हैं जिसे ये लगता है कि वो हमें देख पा रही है राइट इससे लोग डर जाते हैं जबकि ऐसा नहीं है दरअसल वो जो आप देख रहे हो ना वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोज हैं हाँ वो वेब कैम से रिकॉर्ड की गई हैं वो मॉडल भी असली है लेकिन जिस वक्त पे आप उसे देख रहे हो वो लाइव नहीं है इट्स अ प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो कि प्रिटेंड करती है दैट समथिंग इज गोइंग ऑन वो भी लाइव पर वो एक्चुअली लाइव नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लाइव नहीं होता बट ये लोगों को ऐसा दिखाया जाता है ताकि उनको एक ग्रेटर एक सेटिस्फैक्शन मिले सेफैक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग समथिंग लाइव नॉट अदर टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन टॉकिंग अबाउट दैट तो ये <laughs> उनको ये भाई चलो हमारे सामने भाई कोई है बैठा भाई तो उसके लिए वो ज्यादा पे करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं इनको लाइव कैम्स कहा जाता है एडल्ट इंडस्ट्री या इस पूरे इंटरनेट की दुनिया में राइट right? तो इसीलिए लोगों को लगता है कि वह देख रहे हैं जबकि ऐसा कुछ भी ज्यादातर नहीं होता आप ओमेगल वगैरह पर भी जाओगे तो भी आपको ये चीजें नजर आएंगी अब ओमेगल क्योंकि एक लाइव वेबसाइट है यहां पर आप कैमरे के सामने लाइव बैठे होते हो बट यहां पर क्या है कि आप एक सेकेंडरी वेब या एक अलग सोर्स से भी उसको एज अ वेब दिखा सकते हो तो सो वहां पर भी जो मोस्टली जो चीज़ें ऐसी प्ले हो रही होती हैं वो पॉन वेबसाइट्स या एडल्ट वेबसाइट की एडवर्टीजमेंट होती हैं और वो लाइव कैमरास नहीं होते हैं वो एक्चुअली प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं तो इसमें तो आप सेफ हो भाई कोई आपको रिकॉर्ड नहीं कर रहा बट इसका यह मतलब नहीं है कि आप कंप्लीटली सेफ हो आपको यह मालूम होगा कि आजकल जितने भी मॉडर्न ब्राउजर्स हैं वो वीडियो कैमरा यानी कि आपके वेब कैम की परमिशन ले सकते हैं सो so अगर ऐसी कोई वेबसाइट है एडल्ट वेबसाइट है जो आपसे आपके कैमरा की परमिशन ले रही है देन इट इज पॉसिबल कि वो आपको रिकॉर्ड कर रही हो क्योंकि उस वेबसाइट के पास कैमरा परमिशन है एंड्रॉयड ने एक अच्छी चीज सबसे अच्छी चीज यह की है कि अलग अलग हार्डवेयर और अलग अलग कैपेबिलिटी सेंसर्स की परमिशन लेना शुरू कर दिया है इससे इंसान को ये पता है कि कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन uh, क्या क्या एक्सेस कर सकती है सो so, अगर आपकी वेबसाइट आपसे कैमरा परमिशन मांग रही है देन आई एम श्योर कि हाँ आपका फोटो लिया जा सकता है और अगर आप ऐसा कोई कॉन्टेंट देख रहे हो और परमिशन मांगती है कोई साइट तो आपको देनी नहीं है पहली बात अगर दे दी है तो रिवोक कर दो रिवोक करना नहीं आता तो आई वुड से एक ब्लैक टेप लगा लो फोन के सामने वेबकैम के सामने इस और, और क्या करोगे बड़े बड़े स्याने लोग ऐसा करते हैं अपने लैपटॉप के सामने टेप लगा देते हैं आजकल लैपटॉप के मॉडल्स भी ऐसे आ रहे हैं जो वेब कैमरा शटर के साथ आ रहे हैं करने को वो सॉफ्टवेयर से वेब कैम को डिसेबल कर सकते हैं बट स्टिल सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर ही होता है वो एक फिजिकल शटर भी आता है तो अगर आप इतना ही ज़्यादा कंसर्न हो तो आप अपने फोन के कैमरा के आगे ब्लैक कलर की इलेक्ट्रिक टेप लगा सकते हो उसके बाद कुछ नहीं दिखेगा दोस्तों चलो ये तो टेक्निकल चीज़ मैंने आपको बता दी और ऐसे भी चीज़ बता दी नॉर्मली होता क्या है मैं तो यही कहूंगा यार इन चीज़ों से अगर आप कंज्यूम करते भी हो देखते भी हो तो थोड़ा सा सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा करो ऐसी वेबसाइट्सों पर वेबसाइटों पर मत जाया करो जहाँ पर ऐसे लैब कैम वगैरह कैम चल रहे हैं ऐड आ रहे हैं हालांकि ऐसे बहुत कमी वेबसाइटें वेबसाइट जिन पर चलते तो ठीक है तो परमिशन नहीं देनी पहली बात टेप लगा लेना दूसरी बात तो क्या आपको ब्लैकमेल करेंगे वो तो कोई आपको ब्लैकमेल वगैरह नहीं करेगा हालांकि ये स्कैम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं आजकल जिसे सक्स्ट्रॉशन कहते हैं जिसमें कोई लड़की आती है सर वीडियो कॉल्स का भी अच्छा चला ना वीडियो कॉल्स आती हैं वो अपने कपड़े निकालना शुरू कर देती है एंड देन मन चले लोग भी ऐसे ही उल्टे कपड़े खोलने लगते हैं तो उसके बाद उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं फिर उनको वायरल करने के हालांकि यार ज़्यादा वेबसाइटों पर तो नहीं होता बट स्टिल यार कोई डाटा क्या कलेक्ट कर रहा हो क्या पता तो अपनी अपनी सिक्योरिटी अपनी सेफ्टी अपने हाथ है यहां पर मैंने कवर कर दिया ये टॉपिक कि क्या ये वेबसाइट रिकॉर्ड करती है क्या नहीं करती क्या चीजें ध्यान में रखनी है आपको दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितना भी अटपटा सवाल है आपका आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग होगा जिसमें कुछ सीखने को मिलेगा तो मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साइबर सिक्योरिटी और में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें और टू नाइन्टी नाइन रुपीज़ के तीन इथिकलैकिंग कोर्सेज हैं आसान भाषा में आपको इथिकलैकिंग सिखा देंगे दुनिया भर के सारे अटपटे सवाल हमारे ऊपर आ जाते हैं हम वीडियो बनाते हैं लोगों को ज्ञान बांटते हैं यही अपना काम चलो भैया हम चलते हैं मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में थैंक यू सो मच एंड गुड बाय